सड़क पर हादसा हो गया तो पुलिस जिम्मेदार, घरेलू विवाद में कोई वारदात हो गई तो पुलिस जिम्मेदार, सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया तो भी पुलिस जिम्मेदार। हर बार निशाने पर रहती है वो पुलिस जिसके कंधे पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। हर बार पुलिस की गलती की ही तलाश की जाती है, हर बार बस पुलिस पर ही कार्रवाई की मांग की जाती है। लेकिन सवाल कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है, क्यों हर बार पुलिस की ही गलती निकाली जाती है, क्यों हर बार पुलिस को ही गुनहगार माना जाता है। खैर, ये सवाल उस पुलिस पर उठाया जाता है जो पुलिस जेठ की दोपहरी में सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करती रहती है। ये निशाना उस पुलिस पर साधा जाता है जो पुलिस पूस की रात में सड़कों पर अपनी जिम्मेदारी निभाती नजर आती है। ये आरोप उस पुलिस पर लगती है जो त्योहारों के वक्त भी अपनों से दूर हमारी और आपकी सुरक्षा में तैनात रहती है। जिस दिल्ली पुलिस पर कई बार आरोप लगे हैं, अगर उस पुलिस की मजबूरियों को जानेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। दिल्ली में कुल स्वीकृत पुलिसकर्मियों की संख्या है 84,536। 1 जनवरी 2018 के मुताबिक 11,819 पुलिसकर्मियों की वैकेंसी है। 1,00,000 लोगों की जिम्मेदारी 383 पुलिसकर्मियों के कंधों पर होती है। इस हिसाब से 261 लोगों पर एक पुलिसकर्मी। जरा सोचिए, एक पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी 261 लोगों की सुरक्षा और हिफाजत करना है। आंकड़े देखिए, ये आंकड़े तो दिल्ली पुलिस के हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, ये सब तो बाकी है। आंकड़े देखिए और तय कीजिए कि हर बार पुलिस पर सवाल उठाना क्या जायज है। नींद पूरी नहीं होती, छुट्टियों के दिन काम का प्रेशर, बच्चों की खुशी, परिवार का ख्याल, सब इन पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी के साथ साथ निभाना होता है। भूखे प्यासे अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच जनता का ख्याल रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। पुलिसकर्मियों की मजबूरियों को समझना, पुलिसकर्मियों के दुख को जानना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, एक काम आसान है ना, पुलिस पर सवाल उठाना।